प्राध्यापक राजू शेळके, आपल्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो। आपण जी 1500 प्रश्नांची सिरीज घेऊन आलो होतो, त्यापैकी दोन पार्ट आपण अगोदर बघितलेले आहेत, आता तिसरा पार्ट आहे। तर चला आपण सुरुवात करूया प्रश्नाला। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मीक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्सीनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलॉम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी तथा वो रक्त समूह के व्यक्ति से। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली में दानों का प्रतिशत। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? सानेन। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? आमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों के रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटेनस, डिप्थेरिया, हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड। मछलियों में शोषण हेतु अंग होते क्लोम। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक ने। विज्ञान की किस शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? कॉर्निया का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस का
किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारक है वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? कारोथर्म्स 1937। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम। लेड ऑक्साइड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा महाराष्ट्र। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? व्हेल का। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? लक्स। बादल का हवा में तैरने का कारण? वायु की शांतता एवं अपने कम घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है CA कॉलम H2 PO4 कॉलम क्लोज 2। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? आर्जिमोन। हड्डियों में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? रुक। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैस का दाब। 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है या फिर रह जाएगा? 1/16 भाग या 6.25% भाग। शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया में। DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 MW। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। साबुन के बुलबुलों में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइन टाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का। दूध का pH का मान होता है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लेंडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपीडयस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। आयोडीन टिंक्चर क्या है? आयोडीन का अल्कोहल विलयन। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। परिस्थिति की संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में।
आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होगा? 11.2 किलोमीटर सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग, रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 212 फारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते समस्थानिक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेंटिंग ने। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइबोफ्लोविन है विटामिन बी टू। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फार्मिक अम्ल के कारण। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? सदिश राशि। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. वेटिंग ने। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन ने। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकल तथा जिंक। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है, लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होती है? हाइड्रोजन व हेलियम से। अशा प्रकारे आपलं हे पार्ट 3 लेक्चरसुद्धा या ठिकाणी संपलेलं आहे। पार्ट 4 पण तुम्हाला लवकरच लवकर देण्यात येईल। धन्यवाद।